प्रत्याशियों ने नगर पंचायत के भूतपूर्व नगर सेवक एवं गट नेता दीपक शिवरकर तथा शिवसेना नगर सेवकों ने विधायक आशीष जसवाल से पार्षदों ने शहर में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराने के लिए अनेकों बार आग्रह किया था। पार्षदों ने शहर में आपातकालीन परिस्थितियों जैसी आगजनी की घटना के समय आगजनी पर काबू पाने और जान माल का खतरा न हो, इसलिए पार्षदों ने शहर में अग्निशमन यंत्र की जरूरत थी, जिसके लिए शिवसेना नगर सेवक दीपक शिवरकर के नेतृत्व में सभी शिवसेना नगर सेवकों ने विधायक आशीष जसवाल से मिलकर शहर में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिसके लिए विधायक आशीष जसवाल ने इन सभी नगर सेवकों से अग्निशमन यंत्र जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का वादा किया था, जिसके लिए विधायकों ने प्रयास किया। विधायक एवं शिवसेना नगर सेवकों के प्रयास को हाल ही में सफलता प्राप्त हुई है। हाल ही में जिला नियोजन समिति की सभा में पार्षदों शहर को अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराने के लिए निधि का प्रावधान कर तुरंत एक अग्निशमन यंत्र पार्षदों नगर पंचायत को उपलब्ध कराया गया, जिससे भविष्य में कभी भी अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होने से आगजनी की घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। नगर पंचायत पार्षदों को विधायक आशीष जसवाल के सहयोग से अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराने पर शिवसेना नेता दीपक शिवरकर, भूतपूर्व नगराध्यक्ष प्रतिभा कुंभलकर, नगर सेवक विजय पुते, भूतपूर्व नगर सेवक टीकाराम परतिकी, भूतपूर्व नगर सेवक राहुल ढगे, युवा नेता राजेश गोमकाळे, शिवसेना युवा नेता प्रेम भोंडेकर, मीडिया प्रमुख गौरव पनवेलकर, शिवसेना युवा नेता रोशन पिंपरामुळे, आशीष तोटे, उत्तम वडसकर के साथ सभी ने विधायक आशीष जायसवाल से मिलकर शुक्रिया अदा किया। शिवसेना नेता दीपक शिवरकर ने कहा कि बाजार चौक पुराना बस्ताना के विकास के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है। विधायक आशीष जायसवाल ने 5 साल में पार्षदों शहर के विकास के लिए भरकस कोशिश की है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज पार्षदों शहर का बदला रूप, समस्याओं का निराकरण, शहर के चारों ओर सीमेंट के रास्ते, जल सुविधा, बिजली खंभों पर शहर में सभी ओर उजाला, बस स्थानक परिसर में सुलभ शौचालय, शिवाजी महाराज चौराह का विकास, मोक अक्षर रथ और भी विकास कार्य इस कार्यकाल में किए गए हैं। आने वाले दिनों में बाजार चौक का जल्द विकास होगा, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बाजार चौक स्थित दुकानदारों के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर वहां दुकानें कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। वहीं बच्चों के लिए शहर में स्विमिंग पूल बनाने की भी योजना साकार होगी, जिसके लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नागरिकांनी आमच्या सर्व नगर सेवकांनी मला स्विमिंग पूलाची मागणी पार्षदी करता मागणी केली होती आणि ती मागणी मी मान्य केलेली आहे आणि लवकरच पार्षदी येथे एक नवीन स्विमिंग पूल आपण करत आहोत। त्याच्यासाठी 3 कोटीची ऑर्डर आता निघालेली आहे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स साठी 2 कोटीची ऑर्डर निघालेली आहे। जुनी ग्रामपंचायत पाडून जे नवीन इमारत आपण बांधत आहोत, एक नवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स साठी 2 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहे आणि भविष्यात गरज पडल्यास अतिरिक्त अजून निधी या ठिकाणी देण्यात येईल। पार्षदी वासियांसाठी एक चांगला उत्तम स्विमिंग पूल करण्यासाठी मला निधी मंजूर करताना त्याचा मला खूप आनंद आहे आणि सर्व पार्षदी वासियांना मी या निमित्ताने शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। एनबीसी न्यूज के लिए पार्षदों से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट।